हेलो नमस्कार किसान भाइयों एंड व्यूअर्स, मैं एक बार फिर से आपके साथ में एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ा सकता है। वो एक न्यू वीडियो है, भगवान से आशा करता हूँ आप सभी कुशल हैं। आज मैं बताऊँगा आपको यूरिया के बारे में। जो पहले यूरिया आता था नाइट्रोजन 46%, वो यूरिया सरकार ने बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। उसको बंद करने की वजह यह है कि उससे कैंसर ज़्यादा होता है लोगों को। पंजाब में सबसे ज़्यादा यूरिया डालते हैं, तो आपको पता है एक पंजाब से कैंसर की ट्रेन चलती है। वो इसी कारण चलती है क्योंकि वहाँ कैंसर लोगों को ज़्यादा होता है, इसीलिए मोदी सरकार ने यूरिया बंद करने की डिसाइड किया है। उसकी जगह ये नैनो यूरिया निकाली है। इसके बारे में पूरा ज्ञान बताऊंगा आपको, कैसे यूज़ लेनी है, किस प्रकार रखनी है, कितने बीघे में यूज़ लेनी है, पूरी टोटल आपको जानकारी बताऊंगा। ये 500 ml का डब्बा है जिसे नैनो यूरिया कहते हैं। छोटी यूरिया मतलब जो वो बड़ी थी उससे छोटी बना के, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा बिल्कुल कम करके ये यूरिया बनाई है। सर्वप्रथम सरकारी कंपनी इप्को ने ये लॉन्च किया है नैनो यूरिया। ये 500 ml की सीसी है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा तो नैनो यूरिया 4% WV 4% है, ठीक है। इसे यदि पानी के साथ में दे तो ये 500 ml 2 बीघा में जाएगा, लेकिन कंपनी ये अथॉरिटी करती है कि इसे आप स्प्रे करें। स्प्रे करेंगे तो 2.5 से 3 बीघा में इसका स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। इसे रखने के लिए ठंडी और सूखी जगह में इसको रखना है। इसको उपयोग कैसे करना है ये बताऊंगा मैं। पहले तो प्रारंभिक बढ़वार की अवस्था में, मतलब फसल जब 1.5 महीने 15 या 1 महीने की हो जाती है तब, और उसके दोबारा फूल निकलने के 1 सप्ताह पहले इसका यूज, 2 बार इसका यूज लेना है। ये 240 रुपये में दुकानों पे अभी मिल रही है, बाकी ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेटें हैं। बहुत ही भाई टॉप चीज़ है फिलहाल तो निकाली है ये सरकार ने, तो इसका यूज करके ही हम पता करेंगे। मैं यूज किया है, इसमें बहुत ही बढ़िया, ज़्यादा उस प्रकार यूरिया का जो रिजल्ट आता था उस हिसाब से नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे फसल और ज़मीन इसके ऊपर ढल जाएगी। एक तो इसका स्प्रे इसीलिए करवाते हैं जिससे कि ज़मीन ख़राब ना हो, ओनली फॉर फसल के पत्ते पर ही स्प्रे करना है, ठीक है। 200 लीटर पानी लेके 2.5 से 3 बीघा में इसको उपयोग लें स्प्रे करके। कोई कहता पानी के साथ में देंगे वो उसका रिजल्ट बिल्कुल थोड़ा कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन इसका स्प्रे करेंगे तो इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। इप्को कंपनी ने बनाया है, इसकी ब्रांच दिल्ली में है, बाकी फैक्ट्री गुजरात में है गांधीनगर। इंडिया फार्मेस फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बनाया है, बाकी धीरे धीरे IPL कंपनी, किसान कंपनी, सब कंपनी निकाल देगी। और इसीलिए यूरिया की समस्या आ रही है। कोई किसान भाई मुझे पूछ रहा था कि यार यूरिया का क्या मसला है, तो सही तरीके से बता दूं तो यूरिया सरकार ने बंद कर दी है क्योंकि उससे कैंसर ज़्यादा होता है, बीमारियां ज़्यादा होती है। पंजाब में सबसे ज़्यादा यूरिया डाला जाता है, इसीलिए उसकी जगह नाइट्रोजन कम करके ये बोतल सरकार लेके आए हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। भाइयों आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे ऐसे और वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप यूरिया का परहेज करें और इसका यूज करें, बहुत ही बढ़िया है, ये बीमारियों से रोकथाम करेगी, ठीक है। और लगभग पहले पहले तो रिजल्ट थोड़ा कम आएगा क्योंकि ज़मीन यूरिया के ऊपर ही सेट हो गई है, तो अब यूरिया को परे करके इसे यूज लें, ठीक है। 1-2 साल में बढ़िया रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मेरा कहने का अर्थ है कि इसका स्प्रे करें, ठीक है। इसके ऊपर एक लिखा हुआ भी है, एक बोतल कम से कम एक यूरिया बैग के बराबर है, ठीक है। इसका स्प्रे करें 3 बीघा में, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। ऐसी और वीडियो लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।